जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय श्री तारा। मित्रों, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, भगवान कृष्ण की कृपा से आज से ये पांच राशियां करोड़पति बनने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जी हां मित्रों, भगवान कृष्ण की कृपा से ये पांच राशियां करोड़पति बनने वाली हैं। वह कौन सी पाँच राशियाँ हैं मित्रों, आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्या पता आपकी राशि भी इन राशियों में शामिल हो सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इन राशियों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप ये पांच राशियां करोड़पति बनने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उन पांच राशियों के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सीताराम अवश्य लिखें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों की बात करें तो आपकी राशि के लोगों के साथ दिन के कुछ काम बन सकते हैं। इस राशि के जातक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान संचार के माध्यम से करेंगे। आज आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, यदि आप स्थिति को स्वीकार करते हैं और दूसरों से सहमत होते हैं तो आपको लाभ होगा। मेहनत से धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं आमदनी का नया जरिया बनेगा और घर को सजाने में पैसे खर्च होंगे। मित्रों, दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए निराशाजनक रहा है। आज आप अपने जरूरी काम पूरे कर लेंगे। अपनी कहानियों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें और परिवार के सदस्यों के आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए पैसे खर्च होंगे। वहीं कोर्ट ऑफिस से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आय के एक से अधिक स्रोत मिलने की संभावना है। मित्रों, आप सौभाग्यशाली हो। मित्रों, तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन शानदार है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कलात्मक विचारों से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। मित्रों, आज आपके बॉस आपके काम और प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे। वहीं आज आपको शेयर बाजार और मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी और शोध पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हास्य चुटकुलों के माध्यम से माहौल को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, आमदनी के लिहाज से दिन अच्छा है। आपको अपने व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ाने के लिए उत्तोलन मिलता है। मित्रों, चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खास है। इस राशि के लोगों के मन में काम को लेकर उत्साह रहेगा और काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आप आसानी से और खुशी से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मित्रों, गृह संपत्ति से जुड़े काम पूरे होंगे। जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, घर की साज सज्जा पर ध्यान खर्च हो सकता है। वहीं आय के नए स्रोत खोजने के योग बन रहे हैं। मित्रों, पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खास है। आज आप अपने सभी काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। छोटी यात्रा पर जाना योग बन रहा है और इसमें आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। मित्रों, आपको अपने व्यवसाय को तेज़ी से और अधिक कुशलता से विकसित करने के लिए उत्तोलन मिलता है। आज कोई अच्छी खबर मिलने से आपको नई उम्मीद मिलेगी। मित्रों की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। वहीं कला के माध्यम से आय के नए रास्ते खुलेंगे। मित्रों, इसके अलावा अन्य दो राशियों की बात करें तो उनके राशिफल के हिसाब से उन्हें भी आंशिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। उनमें पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो मित्रों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
आपकी राशि के लोग आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। आय के नए स्रोत से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कहीं पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इससे आपको फायदा होगा, वहीं धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों, दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सफल रहेगा। आज अपनी क्षमता के बारे में खुलकर सोचेंगे और उच्च अधिकारियों के सामने अपने विचार रखने से प्रगति के रास्ते खुलेंगे। मित्रों, प्रमोशन की बात हो सकती है। उच्च अधिकारी आपकी व्यवहारिक सोच से प्रभावित हो सकते हैं, वहीं आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, यह थी वह राशियां जिन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा रहने वाली है। मित्रों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सीताराम अवश्य लिखें। ऐसे ही राशियों से जुड़ी और अन्य जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही राशियों से जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम मित्रों।